हेलो फ्रेंड एंड नमस्ते, मैं हूं सिवाना और आपका स्वागत है मेरे चैनल डाइनिंग टेबल विद सिवाना पर। फ्रेंड्स, आज मैं बना के दिखाने जा रही हूं सरसों का साग, जो मेरा फेवरेट है। लेकिन मैं आज जो घोटा हुआ सरसों का साग यानी कि पंजाबी स्टाइल वाला बना के नहीं दिखाने जा रही हूँ। आज मैं सरसों का साग बना के दिखाऊंगी नेपलीज स्टाइल में, जिसको हम सिंपली विदाउट एनी मसाले हम उसको स्टीर फ्राई करेंगे, जो कि बहुत हेल्दी एंड टेस्टी होगा और इसे आप अपने वेट लॉस डाइट शेड्यूल में भी शामिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इसकी सफाई कर ली है। आप चाहे तो केवल इसके लिप्स भी ले सकते हैं, पर मैं यहाँ पे इसके डंडे भी ले रही हूँ, जो कि बहुत ही सॉफ्ट और खाने में यम्मी होते हैं और फुल ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं। तो इसके डंडे में छोटे छोटे पीसेस में कट करूंगी पहले। देन लिप्स को थोड़ा सा बड़े बड़े पीसेस में कट कर लीजिए। नेपाल में बनाए जाने वाले ज्यादातर साग सब्जियां बिना मसाले के होते हैं, और होते भी हैं तो बहुत ही लेस होते हैं। दैट्स व्हाई नेपलीज खाना बहुत ही हेल्दी होता है। आप कभी भी वहां जाएंगे तो ट्राई जरूर कीजिएगा नेपलीज थाली, तो आपको समझ में आ जाए कि हाउ इट इज सिंपल एंड सो टेस्टी बट टू मच हेल्दी। ओके सी, सो मैंने इसको 3 times अच्छे से वॉश कर लिया है। ऑलराइट, क्या क्या सामग्री लगते हैं मैं पहले आपको दिखा दूंगी, जो कि बिल्कुल भी कुछ मसाले नहीं है। थोड़े से लहसुन मैंने लिया है और जिंजर लिया है। इसको हम क्रश कर लेंगे या फिर कूट लेंगे। ऑलराइट, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ सूखी मिर्ची और ग्रीन मिर्ची। बाय द वे, मुझे एक ही डालना है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज करूंगी सूखी मिर्ची। ऑलराइट, देन हमें लगेगी नमक और हल्दी, और ये है मेन इम्पोर्टेंट थिंग, जिसको हम नेपाली में 5 फोरन कहते हैं और हिंदी में 5 फोरन कहते हैं। नेपाल की खासियत है इससे तड़का लगाया जाता है। नेपाली स्टाइल सरसों का साग बनाए और ये ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और हम जरूरत के हिसाब से यहाँ पे ऑयल लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे एक पैन गरम करने रख दिया है। अब हम ऐड करेंगे ऑयल। 2 tablespoon ऑयल ऐड करूंगी मैं। देखिए, यहाँ पे अगर मस्टर्ड ऑयल मिल जाता तो बात ही अलग होती, लेकिन मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, तो सनफ्लावर ऐड कर रही हूँ मैं। तो जैसे ही ऑयल गर्म हो, ये 5 फोरन हम छोटा 1 चम्मच हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, मीडियम आंच में रखेंगे गैस फ्लेम। उसके पास ये सूखी मिर्च मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। मैं इसको थोड़ी कुछ सेकेंड 10 seconds के लिए चटकने देंगे। ऑलराइट, जो 5 फोरन की खुशबू आ रही है ना, ओ माय गॉड, इट्स ऑसम। आप भी घर में ट्राई करके जरूर देखना। और अगर आपको पता नहीं है कि 5 फोरन कैसे बनाते हैं, तो मैं इसका वीडियो जरूर बनाऊंगी। अगर आप चाहते हैं मैं बनाऊं, तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, आपको जल्दी से इसका वीडियो मिल जाएगा। ओके, देन ये देखिए, जो लहसुन और जिंजर को मैंने कूट लिया, तो ये भी हम यहाँ पर डाल देंगे। I'm gonna add this सरसों का साग। अब देखिए, ये तो बहुत सारा है, पैन जो है बिल्कुल छोटा पड़ गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये गल जाएगा बहुत जल्दी। जितना हो सके डाल दीजिए आप इसमें। ओहो, ये तो पूरा भर गया है, अब क्या करेंगे हम? जी कुछ नहीं करना है, अब इसको हम इस सिस्टम में चला तो नहीं सकते, या फिर आपको बहुत बड़ा पैन लेना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप गैस अपने मीडियम में रख दीजिए और इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ढक के रख दीजिए, और देखिए कैसे जादू होता है, सारी चीज़ें घट के नीचे आ जाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं, देख लेते हैं हम। आ हा हा हा, साग आइटम जो होते हैं पूरा गल जाते हैं, यानी कि थोड़ा हो जाता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पकाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। 2 bunch जो सरसों का साग है, मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि हमें वेजिटेबल बहुत पसंद है और हम वेजिटेबल बहुत सारा खाते हैं। ले, इसको हम अच्छे से स्टीर कर लेंगे। साथ ही साथ हम 1 teaspoon टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे। और वाइट, फाइनली हम नमक भी ऐड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको और 2-3 मिनट ढकते हुए पका लेंगे। 3 मिनट हो गए हैं, देखते हैं।
खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। देखिए वाटर भी सब सूख गया है। ऑलराइट, तो ओवरऑल हमें इसे 9-10 मिनट ही कुक करना है। इसको कुकिंग टाइम ओनली 10 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेगा। हमको इसको स्टीर फ्राई करना है, ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है। तो ढक्कन निकालने के बाद हम इसे ऐसे ही 2-3 मिनट स्टीर कर लेंगे। चलिए ये हो गया है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। तो ये है तैयार बनके हमारा सरसों का साग, मोरी की साग, व्हाटएवर यू लाइक यू कैन कॉल। नेपाल में इसे दाल चावल के साथ एज ए वेजिटेबल एज ए साइड डिश खाया जाता है। आप इसके साथ रोटीज भी खा सकते हैं और आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं। और ये आपके वेट लॉस में भी हेल्प करता है, एज अ डाइट प्लान में आप इसे शामिल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ घर में बनाएं और खाएं, और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। कुछ हेल्दी खाना है तो जरूर ट्राई करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सी यू, बाय बाय।